नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रंजना वेजफूड चैनल में। दोस्तों, दीपावली नजदीक आ रही है तो सबके यहाँ दीपावली के दिन सूरन की सब्जी बनाई जाती है। तो आज मैं आप लोग को सूरन की बहुत ही बढ़िया सब्जी बनाने का तरीका बताऊंगी। आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आइए आप लोग को सबसे पहले मैं सूरन का पौधा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक पौधा यहाँ पर है सूरन का। ये वाला काफी छोटा है जिसको हम नहीं खोदेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे सूरन पड़ेंगे। ये वाला आप लोग सूरन देख सकते हैं, पीछे काफी बड़ा सा है ये देखिए, और ये काफी मोटा सा है इसका तना, तो इसमें काफी बड़ा सा सूरन पड़ा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसकी खुदाई करने के लिए मैंने फरसा मंगवा लिया हुआ है। तभी खोद करके चेक करते हैं कि कितना बड़ा सा इसमें सूरन है। इसमें छोटा बड़ा कई तरह का इसमें पौधा लगा हुआ है, तो जो मोटा वाला है यही हम इसी की खुदाई करेंगे और देखते हैं सूरन कैसा और कितना बड़ा सा पड़ा हुआ है। इसके बगल बगल की मिट्टी हटा रहे हैं। आगे बोलो भाभी। और तो पापा तो देखिए दोस्तों, सूरन को पूरा जो है उखाड़ लिया पेड़ सहित। तो देखिए दोस्तों, काफी वजन है पूरा, इसमें मिट्टी भी लगा हुआ है, सूरन भी है। अभी इसका मिट्टी हम हटाएंगे, फिर इसके बाद सूरन निकालेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, काफी छोटा छोटा सूरन लगा हुआ है, बड़ा सा ये वाला है। देखिए बगल बगल में छोटे छोटे से हैं। इसका सभी मिट्टी मैंने छोड़ा दिया हुआ है, इतना बड़ा सा सूरन जो है इस वाले पौधे में पड़ा हुआ है। तो इसको ऐसे ही लेकर के हम चलते हैं अपने घर पे, और इसकी बहुत ही लाजवाब और टेस्टी स्वादिष्ट और सब्जी बना करके आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सूरन लेकर चलते हैं घर पे। देखिए इसका तना हमने काट के अलग कर दिया हुआ है। सूरन है दोस्तों काफी बड़ा सा है, तो इसको हम काट करके आधा बनाएंगे। इसको काट लेते हैं हम आधा। तो अब इधर मैं चूल्हा में आग जला देती हूँ। चूल्हा में लेवा लगा दिया हुआ, तो चूल्हा पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है बांस की पत्ती, तो मैं नीचे मैं बांस की पत्ती जो है रख देती हूँ। तो इसका छिलका जो है मैं उतार दे रही हूँ। मैंने बांस की पत्ती रखा हुआ है, इसके ऊपर हम सूरन रख देते हैं। ऊपर से भी हम बांस की पत्ती जो है रखेंगे। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मसाला लिया हुआ है जो कि प्याज है, इसको छील लिया हुआ है, और लहसुन का छिलका उतार लिया हुआ है। देखिए हरी मिर्च लिया हुआ है, और ये गरम मसाला है। तो ये सभी मसाला मैं सिलबट्टे पर रख करके पीसूंगी, और सिलबट्टा मैंने धुल करके साफ कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने मसाला जो है पीस लिया हुआ है। अभी ढक्कन हटा करके देखते हैं कि सूरन हमारा उबला है कि नहीं। पत्ती हटा करके चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा उबल गया है दोस्तों, तो इसको हम उतार लेते हैं नीचे। बांस की पत्ती हम हटा देते हैं। तो बांस की पत्ती मैंने इसलिए लगा हुआ था दोस्तों, क्योंकि देसी सूरन है हमारा, बांस की पत्ती लगाने से घर नहीं काटेगा। तो देखिए बोल चुका है, इसको मैं काट ले रही हूँ। तो बहुत ज्यादा मैंने इसको उबाला नहीं है दोस्तों, सिर्फ हल्का सा बफाया हुआ है। देखिए इसको मैं छोटे छोटे पीस में काट ले रही हूँ, जिस तरीके से पनीर रहता है ना, उसी तरीके से हम इसको काटेंगे। और सूरन मैंने देखिए इतने बड़े बड़े साइज का कट कर लिया हुआ है।
तो हम चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल लेते हैं तेल। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं चूरन डाल करके तेल में फ्राई कर लेती हूँ। निकाल लेते हैं तो देखिए तो उसी तेल में हम तेज पत्ता डाल देते हैं, तो इसमें प्याज का तड़का लगा देती हूँ। इतने ही बटे हवा हवा खाए तब जाते हैं। हाँ सूरन सब्जी बनाते हैं। मैंने इसमें हल्दी नहीं पीसा हुआ तो इसमें डाल लेती हूँ हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। तो मैं इसमें डाल देती हूँ मसाला। हाँ बने रखे रहे देखिए दोस्तों, हमारी गाँव की औरतें सही लोग जा रही है घास छीन में। मैंने देखिए अच्छे से पका लिया हुआ है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ सूरन। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक हम अभी से डाल दे रहे हैं। तो अब मैं बहुत ही अच्छे से मसाला मेरा पक चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। अपने आवश्यकता के अनुसार मैंने इसमें पानी डाल दिया हुआ है। अब मैं सब्जी को अच्छे से पकाऊंगी। तो लोहे की कढ़ाई में हम सब्जी बना रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा काला काला सा दिखाई पड़ रहा होगा सब्जी। क्या पहनाए से क्या पहनाए से पजामा के पहनाए से हसे है क्या पहनाए तो की है क्या पहनाए से। तो आप लोग देख सकते हैं सब्जी हमारा उबलना शुरू हो गया है। देखिए धनिया हम काट ले रहे हैं। तो देखिए ऊपर से मैं डाल देती हूँ हरी धनिया की पत्ती। पर मैंने चावल और रोटी एक थाली में निकाल लिया हुआ है और इसमें मैं निकाल लेती हूँ सब्जी। तो अभी अस्सी पापा इसको खाएंगे और खा करके आप लोग को बताएंगे कि सब्जी कैसी बनी हुई है, चख के बताएंगे आप सबको। तो देखिए दोस्तों एक थाली मैंने खाना परोसा हुआ है। तो अस्सी पापा सब्जी चख कर आप लोग को बताएंगे कि सब्जी का टेस्ट कैसा है। अभी तो अस्सी अभी अस्सी को खिला रहे हैं। अस्सी बेटा कैसा आ रहा है? अस्सी टाटा करो, टाटा कर दो। हाँ टाटा करो। तो देखिए दोस्तों मेरी अस्सी आप सभी लोगों से टाटा कर रही है। तो काफी टेस्टी सब्जी बनी हुई है क्योंकि अस्सी देखो तुरंत खा रही है। हाँ देखो अस्सी टाटा कर दो, टाटा कर दो दोस्तों को। हाँ कैसा आ रहा है बब्बू, कैसा बताओ? अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? अस्सी नोज कहा है बेटा, दिखाओ नोज। नोज दिखाओ, नोज दिखाओ। अस्सी हेयर कहाँ, हेयर दिखाओ। हेयर मैं भी खाना खाने में बिजी। मनपसंद सूरन की सब्जी है और दोस्तों जरा सुबह नहीं काट रहा है, एकदम देसी सूरन है, एकदम देसी तरीके से भरा हुआ है सूरन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। टाटा टाटा कर दो बाबू, अश्विटाटा। ये देखो हम लोग टाटा कर दिए आपको।